We are studying chapter number 8, Having Fun, and we have studied about recreation and visiting a fair. Today, we are taking a new topic, visit to amusement park. Visit to amusement park means amusement park, dekhne jaana. Ye aapka hai page number 50 pe. To aapne book kholiye, page number 50 nikaliye, aur is topic ko start kijiye, visit to the amusement park. अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है, जैसे हमने फेयर में स्टडी किया ना, फेयर में सेम वैसे अम्यूजमेंट पार्क भी बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के राइड्स और बड़े बड़े जो राइड्स में झूले इस तरह से लगे होते हैं और उन वहाँ जाके और उन राइड्स का मजा लेके हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं और फन करते हैं, मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं. तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. इट वॉज 1st January 2014. टीना एंड हर नेबर्स फैमिली to spend the first day of the year at the amusement park that had just opened on the outskirts of their town. Tina aur uske neighbors ki family ne decide kiya ki 1st January jo year ka first day hota hai wo us day ko amusement park mein spend karenge. isliye unhone dono ne ek group banaya aur wahan jaane ka decide kiya. wahan jaakar ki wahan pe kya hota hai, wahan pe tickets hoti hai entrance ke liye. to un dono families ki पार्क में एंटर करने के लिए जाने के लिए पहले टिकट परचेज की, देन दे एंटर्ड और उसके बाद उन्होंने उस पार्क में एंटर किया. वहां पर दे डिसाइडेड टू वॉक अराउंड द फर्स्ट प्लेस फर्स्ट बिफोर चूजिंग द राइड्स. देयर फर्स्ट स्टॉप वाज एट व्हाट वाज कॉल्ड द एडवेंचर शिप. सबसे पहले वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एडवेंचर शिप में ट्रेवल करेंगे. उसको पहले उसका फन मजा लेंगे, उसको एंजॉय करेंगे. इस शिप होता है, शिप की शेप का एक ना आपने देखा होगा, शिप की शेप का एक झूला होता है जो एयर में लटका होता है और इसमें आप बैठोगे तो ये एक स्विंग करेगा हवा में, वन साइड से अदर साइड पे स्विंग करता है, झूला झूलता है. तो इस तरह से उन्होंने इस साइड का मजा लिया. काफी वो स्क्रीन यानी चिल्लाए मजे में एंजॉय करते समय और इस तरह से उन्होंने बड़ा जो है फिर बड़ा इसको एंजॉय करके फन किया. सेकेंड थर्ड पैराग्राफ है, नेक्स्ट टीना एंड सामिया ट्राइड द बम्पर राइड. इट वॉज अ ग्रेट फन, द गर्ल्स वर लाफिंग एंड बम्पिंग इन टू देयर अदर. अंकल अरुण कैप्चर्ड द मोमेंट ऑन हिज न्यू हैंडीकैप. और उसके बाद में नेक्स्ट में टीना और सामिया जो गर्ल्स थी उन्होंने बम्पर राइड का मजा लिया. उसने खूब उन पर बम्पर राइड में जिसमें उन्होंने उसका कैसे मजा लिया, उसको कूदे जंप किया और उन्होंने काफ़ी हंसते हुए इसका मजा लिया और उनके अंकल ने उसको कैप्चर किया, उसकी फोटो ली, कहता है कि उस तरह से उन्होंने सेकेंड ये मजा लिया. थर्ड है, द गैंग ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल द राइड बिफोर टेकिंग अ स्नैक ब्रेक. उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट राइड लेने से पहले एक स्नैक ब्रेक किया, मतलब नाश्ते का छोटा सा ब्रेक लिया. उन्होंने ऑर्डर किया फूड का एंड सबने यमी मील को एंजॉय किया, एक मीस खाना खाया, स्नैक्स लिए. फिर उसके बाद में उन्होंने तरह तरह की राइड्स की और भी वहाँ पर जितने भी राइड्स और झूले थे उनके मजे दिए. तो उस तरह से अम्यूजमेंट पार्क में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के राइड्स और बड़े बड़े झूले होते हैं जिनका मजा लिया जाता है, फन किया जाता है. तो इस तरह से उन्होंने दोनों फैमिलीज ने भी ये किया. उसके बाद में उन्होंने अपना जो न्यू ईयर का फर्स्ट डे था वो सेलिब्रेट इस तरह से उन्होंने किया. एंड व्हाइल द आउटडोर रिक्रिएशन हैड डिलाइटेड द चिल्ड्रन, इट हैड हेल्प्ड द एल्डर्स टू रिलीव देयर चाइल्डहुड एंड बी किड्स अगेन. तो इस तरह से बच्चे लोग तो बाहर जब हम आउटसाइड जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो बच्चे तो फन करते ही मजे करते ही हैं, लेकिन जो हमारा एल्डर्स है वो भी अपने चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों को याद करके बच्चे बन जाते हैं और वो भी फन और मजा करते हैं. ये टॉपिक हो गया हमारा क्लियर. आज का आपका होमवर्क है हार्ड वर्ड्स. इस चैप्टर के 10 हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको आपकी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करते हैं. फर्स्ट है RECREATION, रिक्रिएशन. सेकेंड ENERGY, एनर्जी. थर्ड PUPPET, पपेट. पपेट क्या होता है, कठपुतली होती है ना जिसका डांस दिखाया जाता है, पपेट. नाउ फोर्थ SQUEAL, स्क्वील का मतलब
एंड 10